नाम तेरा हुक्म है, एक नाम तेरा हुक्म है सतगुरु पिता तब दियो बुझाए। नाम हुक्म है, महाराज का हुक्म है, वो नाम है। तो हुक्म जरा वो कह नहीं सकते, हुक्म हो अनकार हुक्म ना कह जाए। हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश। हुक्म दे विच ही सब कुछ लिख लुख्या, हुक्म दे विच ही सब कुछ बख्शीश है, मतलब बख्शिशा ने। हुक्म दे विच ही सब कुछ है, सारा आकार है, सारी दुनिया है जो पैदा की गई है, वो सारे उसके हुक्म नाल ही होई। तो पर हुक्म नूं दस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। बहुत सारिया जड़िया ने वटिया बुझारत ने यह हुक्म समझा। हुक्म जरा अटाले हाले भी गल है कि हुक्म अटाले, ये बदल नहीं सकता हुक्म, वो इदा ही रहना। तो मैं थोड़े दिन हो मेरी अख का ऑपरेशन सी, ऑपरेशन करते करते जो लेंज पाया ना उन्हें, वो लेंज जो अंदर पाया तो जो खुलिया उन्हें वो कसर गया, तो मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई अख के अंदर, तो मेरे दुश्मन हट गया बिल्कुल। तो मेरे वो पट्टी बंद थी, उन्होंने अगले दिन मैंने कहते कोई नहीं, मैं डॉक्टर ने बहुत दिलासा दिता, बहुत बार मेरे तो सॉरी फील किया, मैं जान बुझ के नहीं किया। तो कुदरती हजार केसा कि एक बार हो जाता, दस दस बारह बारह दिन की गल है। मैं फरमाया कोई गल नहीं, मैं एक अख ना गुजारा कर लूंगा, ना आओगी नजर तुम एक चिंता करो, जो आए महाराज का हुक्म है कोई गल नहीं। उन्हें मैं फिर एक गल दसी कि होया कि मैं होया कि है मेरे, जरा तेरे अंदर अख के अंदर फलूड है ना, वो एक कतरा खून का चल गया, वो करके तेरा विजन जरा खत्म हो गया। तो मैं वो ठीक कहता हूँ, कहता हर सैकंड एवरी सैकंड वो फलूड बन रहा, तो सर्कुलेट कर रहा। हुक्म देखो हुक्म देखो अटाल कि आया, हुक्म हुक्म अटालिया वो हर सैकंड जो जरा उन्नी की जी अख है उस फ्लूड है वो हर सैकंड तैयार हो रहा, तो हर सैकंड उपर जाता सर्कुलेट कर रहा, तो वो मतलब उदा चल गया। यहोजी मशीन लखा करोड़ा साढ़े शरीर के अंदर ने जड़िया अपने आप उसके हुक्म च जड़िया ने वो चल रही। तो हुक्म है कि मैनू नहीं अज तक समझ लगी, मैं सिंह साहब ने कहूँगा तो थोड़ा थोड़ा समझा रहे और जरा मतलब अपने और एक्सप्लेन कर दें। कहते हैं भी जो परमात्मा सुन समाध सी उदो संसार है ही नहीं, उन्हें एक बार कहा कि सार कीता बसाओ, कीता बसाओ एक पाओ, तो सारा संसार जोड़ा वो पैदा हो गया होर तो अफोर तो अफोर। मैनू लगता कि जोड़ा फोर तो अफोर वाला जोड़ा ये विचला प्रोसेस है, उस प्रोसेस में मैं लगता वो शायद वह हुक्म है, उसका प्रोसेस है ना, आकार पैदा करता फोर तो फोर हो गए, जो सारा कुछ जो सृजा गया सृष्टि साजी गई और सृष्टि साजी प्रोसेस में लगता कि वह हुक्म है। तो फिर वो हुक्म जरा वो निरंतर बगैर चल रहा, निरंतर वरत रहा, निरंतर जिदा मेरी अख च वो जरा सी उत्थे भी वरत रहा, मेरे शरीर च भी वरत रहा, मेरे आले दुआले भी वरत रहा, मेरे गांठ गुआंढ भी वरत रहा, सारे संसार चाल सारे संसार सारी धरती वरत रहा, वो एक नहीं है,
जिदा की आ एक धरती है यह होंगे करोड़ा धरतियां हो अज यह एक ब्रह्मांड ब्रह्मांड है करोड़ा ब्रह्मांड होर है ब्रह्मांड को पूर्ण ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी गुरबाणी क्या है तो वो सारा उस जरा वो सारा उदा उदा परमात्मा ने बचाया वो सारे का ही है आप लगता भी सिर्फ जो आप पंजाब के जो लोग प्रसंग है इन्हों पता जो इंडिया रब जरा वो साढ़ा आ ही है बाकियों का रब है ही नहीं इंग्लैंड वाले का हो रहा अमरीका वाले का हो रहा चाइना वाले का हो रहा उन्होंने का हो रहा पर परमात्मा एक जरा वो एडा वा है इन्ना अनंत है इन्ना बेअंत आदे बेअंतता जी जी मेरी जी अकल है वो बहुत सूक्ष्म बहुत छोटी है बहुत ही मतलब निकी है और मैं उन्होंने समझ नहीं सकता तो मैं वो जी गल जिनी गल कही है वो मैं लगता मैं तक समझा नहीं सकता होगा मेरा जो मेरे मन की अवस्था सी जो मैं समझा सी मतलब बस सिर्फ इतनी गल समझ लो तो तुम अपने आप को जरा अपनी जी सुरत है मैनू तो तुमको ज्यादा नहीं लग सकया मैं नहीं तुम कुछ दस सकया जो विद्वाना बड़े ध्यान न सुनोगे तो मेरी यही तुम बेनती है बेनती मैं इन्नी गल वास्ते खड़ा होया कि तीन दिन तुम्हें डिसिप्लिन करें ये मेरी थोड़े चरणों में बेनती है कोई लामा नहीं आना सैल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कोई ये ना कहे तू आ गए मैं तू जाए डिसिप्लिन है तू आया नहीं तू हूँ मतलब दो बजे सैशन है तो तू कि तुरै करना खेती इतने बनी रहनी चाहिए जे नहीं भी है खिच तद भी जी खिच पाए तो फोन करो नहीं भी नाम जपते ना फिर भी चलो फिर भी वादू वादू कर लो कोई गल नहीं फिर भी गल हो जाए पर तुम करो जरूर आना जरूर है हर कैंप कोई कोई एक भी विद्वान उन्होंने सुने बगैर हरप्रीत ने कहा कि जो कापियां पेंसिल ने उन्होंने नोट से करो कोई गल नहीं डॉक्टर बलकार सिंह होने बड़ी कमाल की गल कही थी सारा ही दुश्मन आप ही है अपने आप के कमने आप ही दुश्मन है बंदे पता पढ़ से क्या बड़िया वड्डिया ताकत ने डॉक्टर बलकार सिंह ने की गल एक जेंटली से भी तुम नोट ही नहीं की वो जेंटली गल करते हैं छोटी छोटिया गल कर जाते हैं पर कर बहुत माल दिया जाते हैं जी ते तोरी निकल जाती है तो तुम पकड़ ही नहीं करते पकड़ोगे समझोगे विचारोगे तो फिर गल बन कुछ विचारना जरूरी है सिखी को जरा कि विचारना जरूरी है अपनी बुद्ध को बलवान करना अपनी सुरत को बलवान करना यह भाई वीर सिंह कहते हैं सिखी है जसबीर सिंह भी टीचर ने और उन्होंने तुम दस मैं कदों तो 70 तो 75 तो 76 ने 77 साल हो गए अद्धी सदी हो गई है अद्धी सदी तो पता नहीं कि कुछ उन्होंने कि ज्ञान का भंडार ने सिर तो पैर तक पता नहीं की कुछ होना अगर लो इन्ना तजर्बा लगता है इन्ना तजर्बा इन्ना एक्सपीरियंस वो ही सारा गुरबत की दस पीला सीखो उतो फिर जो मैं बीत गल करके बेनती करके मैं तुम्हें जाना मैं एक अद्धा मिनट बाद लै लिया तो मैं
ਮੈਂ ਅਸਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੀਰ 'ਚ ਫੇਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਨ ਸੁਰਤੇ ਇੱਧਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਖਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੌਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ।